गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC के शेयर 2% तक टूट गए। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 71.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक के शेयर में बिकने वाली के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 400 अंक टूट गया। बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 393.03 अंक टूट गया। हालांकि बाद में इसने कुछ नुकसान की भरपाई की है और यह 201.94 अंक यानी 50% तक की हानि के साथ 40,089.26 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 58.10 अंक के नुकसान से 11,739.80 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक के शेयर 2% तक टूट गए। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स के शेयर लाभ में थे। कारोबारियों ने कहा कि कोरोना वायरस की चिंता के बीच वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख और विदेशी कोषों की निकासी से बाजार धारणा प्रभावित हुई है। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में बुधवार की शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 71.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में 71.76 प्रति डॉलर पर खुला, बाद में यह और सुधार के साथ 71.74 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले बंद स्तर की तुलना में यह 11 पैसे की बढ़त है। मंगलवार को रुपया 71.85 प्रति डॉलर पर बंद। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।